बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रुकेजा चौधरी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन इसको लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप नोटिफाई रहें। आज जो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है वो बहुत दिनों से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा उसका जवाब दे दूँ। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत बताकर ही डिले कर देती थी, क्योंकि जाहिर है काउंसलिंग वही लोग कर सकते हैं जो प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन अब इतनी बार पूछा गया है कि मुझे लगता है कि एक वीडियो बनाकर बता देना चाहिए। तो जी, क्वेश्चन हमारे पास ये आया है, बहुत सारी फीमेल और बहुत सारी जूनियर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पायरिंग ऑफ LLB वो पूछते हैं कि शुड आई गो फॉर LLB एंड इफ़ आई डू LLB व्हाट वुड माय फ्यूचर। मैं अगर LLB कर लेता हूँ तो मेरा मुस्तकबिल क्या है, मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं फील्ड में क्या कर सकता हूँ, अगर एक बिंग लॉयर, एक लॉयर होने के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। तो जी, अगर आप ग्रेजुएशन करने का सोच रहे हैं और आपके पास ऑप्शन है कि आप LLB कर सकते हैं, सिंपल ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, तो आप फॉर श्योर 100% मेरी बात पर यकीन करें और LLB कर लें, क्योंकि LLB करने का आपको फ़ायदा होगा। ये अगर आपके पास जहन में एक आइडिया है कि यार मैं CSS या PMS कर लूँगा या पब्लिक सर्विस कमीशन में चला जाऊँगा, तो फिर डेफिनेटली आप LLB की तरफ आएँ। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो वहाँ पर सब्जेक्ट्स आते हैं वो आपने LLB ऑलरेडी पढ़े होंगे, तो वो आपको इलेक्टिव चूज करना बहुत आसान होगा। ये नहीं है कि जो आप BS या BCom में पढ़ेंगे वो नहीं, वो भी होते हैं, लेकिन LLB की फील्ड से आपको ज्यादा फायदा होगा। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉज, क्रिमिनोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हर बंदे नहीं पढ़ने हैं वो आपको मिल जाएंगे और आपको फील्ड में बहुत फायदा होगा। ठीक है, अगर आपका CSS या PMS क्रैक नहीं होता, बैकअप ऑप्शन के तौर पर भी ये LLB की डिग्री यूज हो जाएगी। आप जनाब वापस आकर एडवोकेसी कर सकती हैं कोर्ट कचहरी में आकर। अब आप फीमेल हैं, आप चाहती हैं कि मैं कोर्ट कचहरी में ना आऊं और LLB कर लूं और लॉयर बन जाऊं। अब LLB में दो तरह के लोग आते हैं शुरू से, वो होते हैं बाय चॉइस और एक होते हैं बाय चांस। बाय चांस वो लोग होते हैं कि उन्होंने शुरू से सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन अब नंबर नहीं है, एडमिशन नहीं हुआ, तो वो जनाब LLB की तरफ आ गए। अब उनके पास कोई टारगेट नहीं है कि मैंने कहाँ तक पहुँचना है, तो फिर वो गो विद द फ्लो रहेंगे। अब अगर आप बाय चॉइस आए हैं तो बाय चॉइस वही बंदा आता है जिसके पास एक प्लान होता है। तो अब आप आने का सोच रहे हैं तो आप प्लान बना रहे हैं। तो जी, आपके पास अगर प्लान है सर्विसेज में जाने का, तो फिर आप LLB की तरफ आएं और अपने सर्विसेज का एग्जाम दें। अगर आपके पास प्लान है कि मैंने जज बनना है, तो हाँ, फिर आप LLB की तरफ आएँ, 2 साल प्रैक्टिस करें, जज अपॉइंट हो जाएं। अगर आपके पास प्लान है तो लाजमी है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास प्लान नहीं है, ऑप्शन है, तो आप फिर ऑप्शन को चूज़ करते हुए भी वाइसली LLB को चूज़ करें। अब क्वेश्चन ये है कि इस दी LLB एडवोकेसी इज़ अ सेफ फॉर फीमेल, डेफिनेटली इज़ अ सेफ। अगर आप बात करें ओवरऑल, तो कोई भी फील्ड फिर फीमेल के लिए पाकिस्तान में सेफ नहीं है। अगर LLB सेफ नहीं, एडवोकेसी सेफ नहीं है, हर फील्ड में वुमेन को एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। हमारी सोसाइटी में एक पेट्रियार्ची सोसाइटी है ना, तो यहाँ पर आपने एक एक्स्ट्रा मूव करना ही है बींग अ फीमेल। अगर मेल लॉयर को थोड़ी सी हर्डल्स हैं केस गेट करने के, तो आपको ये भी बताना है कि हाँ, मैं इतनी काबिल हूँ, मैं वकील हूँ कि आप मुझे केस दें, तो आपको थोड़ा 2 स्टेप्स अहेड चलना होगा, ज़रा 2 कदम ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो हर फील्ड में ही करनी पड़ती है ड्यू टू फीमेल। अब थर्डली बात यह है कि मैं LLB में आऊं, एडवोकेसी करूं या कुछ और करूं। आपके पास अगर तो प्लान है कमीशन वगैरह का, सर्विसेज वगैरह का, तो आप उसकी तरफ चली जाइएगा, लेकिन अगर आपके पास प्लान नहीं है तो एडवोकेसी भी बेस्ट फील्ड है। एडवोकेसी भी एक वास्ट फील्ड है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप चाहती हैं कि मैं कचहरियों के धक्के छक्के ना खाऊं, कोर्ट ना आऊं और इनडोर कोई ऐसी काम करूं एडवोकेसी का कि मुझे जो उनसे इनडोर ही फायदा हो जाए, तो फिर आप किसी भी फर्म वगैरह की लीगल एडवाइज़र बन सकती हैं। कि उसके उससे पहले आपने 2 ईयर्स का एडवोकेसी का एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है, फिर आपको इंडोर जॉब्स भी ऑफर हो जाएंगी। और सेकेंडली, अगर आप चाहें आप कॉर्पोरेट की फील्ड ज्वाइन कर सकती हैं। आप एडवोकेसी में बहुत सारी फील्ड्स हैं, जब नए आता है बंदा तो हर तरह का काम करता है हर फील्ड में, लेकिन आप वक्त के साथ एक स्पेशल फील्ड में आ जाते हैं, और अगर आप आ जाते हैं तो आप उसी में काम करते हैं। अब क्रिमिनल, सिविल और उसके अलावा कॉर्पोरेट की फील्ड मौजूद है। अगर आप फीमेल हैं तो आप कॉर्पोरेट की फील्ड में बहुत मूव कर सकती हैं, ठीक है, फैमिली और सिविल में तो कर सकते हैं, कॉर्पोरेट की फील्ड में आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। आई होप जो आपने क्वेश्चन पूछा था मैंने उसका जवाब दे दिया है आपको। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।